अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। दोस्तों, फायर फाइटर्स की बहुत सारी जॉब्स है, लेकिन हर जगह पे NFPA रिक्वायर है। NFPA 1001, 1006 और 472, यानी कि 1072 भी उसे आजकल कहा जाता है, अपडेट हो गया उसका नाम। तो जॉब देखें, इंटरनेट पे बेबहा पड़ी है, लेकिन दोस्तों के मैसेज आते हैं, भाई हमारे पास NFPA नहीं है, तो हमारे लिए कोई जॉब बताए। तो उन दोस्तों के लिए आज मैं एक जॉब लेके आया हूँ। कंप्यूटर अभी ओपन किया, साथ ही नोटिफिकेशन मिल गया है जी कि फायर फाइटिंग टेक्नीशियन चाहिए जी अबू धाबी के लिए। अल कुसास शहर है जी, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाता हूँ। साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और हाँ, अलबत्ता उस तरफ जाने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि कल को एक और जॉब भी है जो मैं अपडेट करूंगा, क्योंकि एक दिन में एक वीडियो बनाऊंगा, और उस अपडेट को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपका फायदा हो सके। तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के जरिए से वो वीडियो मिल जाए। तो आइए इस जॉब की तरफ हम चलते हैं। तो चलते हैं हम स्क्रीन पर, तो आइए जरा जरा क्लोज हो जाए। ये जना फायर फाइटिंग टेक्नीशियन इनको चाहिए जी। फायर फाइटिंग टेक्नीशियन, फायर स्प्रिंकलर होज रील, FM 200 फायर पंप। FM 200 होता है ये जो फायर सप्रेशन सिस्टम होता है ना, जैसे SCBA या DCP हो गया, इसमें जो कंप्रेसर के जरिए से वो ऑक्सीजन होती है, गैस होती है, उसको FM 200 कहते हैं। नॉन फ्लेमेबल गैस उसे बोलते हैं जी। देखें जी, मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है जी, और ये बता दें कि ये जॉब आई कब है। ये 3 दिन पहले आई है जी, ये देखें जी, 3 डे अगो, ठीक है जी, पोस्टेड 3 डे अगो। चलें जी, अब इसकी डिटेल ले लेते हैं, हल्की हल्की सिंपल सिंपल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें NFPA कोई नहीं दरकार किया हुआ। ये जी, अटेंड टू रिपेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम रिलेटेड टू फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है जी। कंडक्ट इंस्पेक्शन, उन्होंने कहा जी इंस्पेक्शन करनी है, टेस्टिंग करनी है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की जी, जिनमें फायर स्प्रिंकलर आते हैं जी, हॉज रील, FM 200, फायर पंप एंड फायर फाइटिंग एंड फायर सप्रेशन सिस्टम है, टू इंश्योर दे आर वर्किंग प्रॉपरली एट टाइम। ओके, नेक्स्ट है जी, फॉलो द रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड प्रोसीजर पॉलिसीज वाइल परफॉर्मिंग टू वर्क रिक्वायर्ड लाइक दैट। वो कह रहे हैं जी, एनवायरमेंट को सेव करने के हिसाब किताब जो है ना, वो उस हिसाब से आपने इसकी प्रोसीजर को चेक करना है जी। डेली रिपोर्ट टू सुपरवाइजर, जो आप चेक करेंगे वो अपने सुपरवाइजर को बताएंगे जी। उसके बाद जनाब कह रहे हैं जी, मैकेनिकल प्रॉब्लम हो या उसकी कोई गलती हो जी, उसको जनाब आपने ठीक करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रॉपर मेंटेन करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इन्फॉर्म पर्सनल रिगार्डिंग प्रोसीजर एंड स्टेटस ऑफ वर्क ऑर्डर प्रपोजिंग लाइक दैट डिसीजन। उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ पढ़ रहे होंगे, मेरी अंग्रेजी जितनी है उससे ज़्यादा शायद आपकी भी हो। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, इन्होंने कहा है जी, रिक्वायर्ड एजुकेशन क्या है जी, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, 2 ईयर फायर फाइटिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास 2 साल का फायर फाइटिंग का आपके पास एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर बात है जो लोग 3 साल, 5 साल, 12 साल वाले भी पाकिस्तान में बैठे हुए, 1-1, 2-2 वाले, अल्लाह खैर करे, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जी। डिप्लोमा IT सर्टिफिकेट होल्डर, मतलब आपके पास IT का कोई डिप्लोमा है, ठीक है, चलेगा। एक्सीलेंट नॉलेज इन इंस्टॉलेशन, फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर हॉज रील, FM 200 फायर पंप एंड एनी फायर फाइटिंग एंड फायर सप्रेशन सिस्टम। कह रहा है जी, आपके पास नॉलेज हो, एक्सीलेंट होना चाहिए इंस्टॉलेशन या फायर स्प्रिंकलर में, होज रील का आपको पता होना चाहिए, FM 200 जो कि नॉन फ्लेमेबल गैस होती है उसका, फायर पंप जो कि हमारे चल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल के तहत अमल कर रहे हैं उनके बारे में, एंड फायर फाइटिंग एंड फायर सप्रेशन सिस्टम। जो फायर फाइटिंग है इनमें स्प्रिंकलर सिस्टम की बात कर रहा है जी, सप्रेशन सिस्टम भी उन्हीं चीज़ को बोला जाता है जी, ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं जी, वैलिड UAE ड्राइविंग लाइसेंस, वो जी प्रेफर उन्होंने लिखा है जी, नेसेसरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज नो टेंशन। उसके बाद ये अप्रूव्ड बाय DCD, इसके बारे में मुझे नहीं पता। खैर, जॉब टाइप है जी फुल टाइम, और इसमें सैलरी की बात करते हैं जी, सैलरी है 1500 AED जो कि पाकिस्तानी बन रहा है 1,62,000 लगभग, 1500 से 2500 पर मंथ के हिसाब से। एजुकेशन उन्होंने क्या रिक्वायर की है जी, डिप्लोमा
हो, यानी कि वो जो हमारे पर्सीवल का चारा कोई भी चल रहा है वो चलेगा। ठीक है जी, एक्सपीरियंस। फिर उन्होंने दोबारा फिर जिक्र कर दिया है जी, फायर फाइटिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जी 2 साल का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है फायर फाइटिंग में तो जनाब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। ठीक है जी, ये हायरिंग 3 कैंडिडेट पोस्टेड 3 डे अगो। अब बात आ गई है जनाब, अब इस पे अप्लाई कैसे करना है। तो कुछ हजरात बगैर वीडियो को देखे हुए बहुत ज्यादा पार्ट्स जो है स्किप कर देते हैं। ब्रदर्स, ये वीडियो 5 मिनट की होती है मैक्सिमम, आप लोगों के काम की होती है, तो आप इसे 5 मिनट अपनी लाइफ के दे दें तो शायद आपकी अगली जिंदगी जो है वो कामयाब हो जाए। तो ब्रदर, मेरा इसमें कुछ नहीं जाना, अगर आप 1 मिनट की वीडियो देखते हैं मुझे फिर भी वही फायदा है, 5 मिनट की देखते हैं मुझे फिर भी वही फायदा है, मेरा नुकसान नहीं है, नुकसान आप कर देते हैं अपना। बात आती है अब इसमें अप्लाई कैसे करना है जी। अप्लाई करने के लिए मैं इस जॉब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने उस पर क्लिक करना है, सामने आपके इसकी जॉब ओपन हो जाएगी, आप मुकम्मल तौर पर उसको पढ़ सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं दोबारा कि हाँ जी फैजान साहब ने कुछ रद्दबदल तो नहीं की। खैर आप उसे पढ़े, उम्मीद करते हैं हर फायर फाइटर जो 2 साल का एक्सपीरियंस रखता है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, किसी के लिए कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं। तो भाई इस पे अप्लाई करें, आपकी अपडेटेड सीवी होगी, आपकी एजुकेशन, आपकी जो भी एक्सपीरियंस वगैरह होगा उसमें आप वो फिल करेंगे, लास्ट पे अप्लाई का बटन होगा जी, अप्लाई करें। और लो जी खत्म कर दी थी लेकिन अभी दोबारा एक वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट डाल रहा हूँ, अप्लाई कैसे करना है थोड़ा सा तरीका मैं बता देता हूँ। चलें जी कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाते हैं। आप फायर फाइटिंग टेक्नीशियन वो वाली जॉब ओपन कर लेंगे, उस पर सेम इस तरह आएगा अप्लाई नाउ, आपने अप्लाई नाउ के बटन पे जिस तरह क्लिक करना है, नेक्स्ट टैब ओपन होगी। ठीक है, इंडीड रिज्यूम जो आप बनाएंगे अगर उस पर आप चल जाएगा ठीक है, नहीं तो ये फैजान है, ये देखें अब यहाँ पर मेरी सीवी जो है वो अपडेट हो चुकी हुई है। ठीक है, अप्लाई विदाउट रिज्यूम मतलब बगैर आपने सीवी के सेंड करनी है तब भी ठीक है, अगर आपने अपनी बनाई है तब भी ठीक है, जिस तरह भी हो वो आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जिस तरह आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आप को सवाल पूछेंगे कि यस आई कैन मेक द कमिटमेंट, मतलब वो कह रहे हैं कि आप रिलोकेट होने के लिए तैयार हैं, जी जी बिल्कुल जी, यस आई एम प्लानिंग। और ये पूछ रहे हैं यहाँ पे जी टाइम रेंज एंड दैट यू कुड डू इंटरव्यू, इंटरव्यू का पूछेंगे जी आप कब इंटरव्यू देने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे या फ्री होंगे, तो आप यहाँ पे लिख दें एनी टाइम। जैसे ही आप एनी टाइम लिखेंगे उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है, आपकी जनाब ये आगे रेलिवेंट जॉब आ गई, आपने यहाँ पे अपना टाइटल दे देना है जो भी आपका जॉब टाइटल है, उसके बाद आपको रिव्यू के लिए ये इस तरह करके आ जाएगी लास्ट पे। ठीक है, लास्ट पे उसके बाद आपने सबमिट योर एप्लीकेशन करनी है, जिस तरह ये आप करेंगे योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, लें जी आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, आपको साथ ही ईमेल आ जाएगी कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो ब्रदर्स, मैं इस तरह की वीडियोस आप तक लेके आता रहूंगा जिसमें आपका फायदा हो सके और आप अप्लाई करके अपने आप को टॉप पर ले जाए। तो मेरी इतनी कावश के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो अपने इस भाई को दुआओं में याद रखिए और मुझे दें इजाजत। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।